सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर टीका टिप्पणी की है। हमीरपुर में राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के करीब डेढ़ माह में रेप के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राणा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कोई भी मामला सामने आने पर सड़कों पर उतर जाती थी, लेकिन अब सरकार में रहते हुए भी क्यों कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती है। राणा ने हमीरपुर में गत दिनों में हुए रेप मामलों पर बीजेपी सरकार के नेताओं के निजी कॉलेज के साथ संबंध होने की आशंका जाहिर की है, क्योंकि रेप मामला सामने आने पर भी निजी कॉलेज के प्रति सरकार ने कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई है। राणा ने कहा कि लोगों में यह भी चर्चा है कि निजी कॉलेज बीजेपी नेताओं के संरक्षण में सालों से चल रहा है और बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर फेल हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी सरकार को बने हुए लगभग 50 दिन हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में एक नहीं तीन तो मामले बलात्कार के जो हैं वो जिला हमीरपुर में हो गए हैं और धर्मशाला में मामला हुआ, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हुए। और इससे पहले कांग्रेस की राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो एक मामला होता था तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी बलात्कार का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे कहीं का कहीं भी हुआ हो। और अभी तो एक प्राइवेट कॉलेज में ये एक मामला जो सामने आया है, उससे पहले उस कॉलेज में एक बच्चे ने सुसाइड किया था। और हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा मामला हो गया है, सरकार ने अभी तक कॉलेज प्रशासन पर कोई शिकंजा नहीं कसा है, कॉलेज प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर मूक दर्शक बन गई है। एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी लीडर की तरफ से कोई नहीं आया कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और इससे पहले कांग्रेस के शासन के समय जहां भी कोई ऐसी घटना घटती थी तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर आती थी और इसको राजनीतिक रंग देती थी। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और सरकार देखते हैं कि सरकार इस मामले में क्या करती है, प्रशासन के ऊपर शिकंजा कसती है जो कॉलेज का प्रशासन है नहीं कसती है, या लोगों में ये भी चर्चा है कि जो कॉलेज चल रहा है ये किसके संरक्षण में चल रहा है, किन नेताओं का इसके ऊपर बर्द हंस रहा है। ये सब चीजें इस वक्त समाज में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार जो है कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह इस जो है वो फेल हो रही है।